नैनपुर में मंगलवार को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सेवा केंद्र द्वारा महाशिवरात्रि पर्व का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सबसे पहले रैली के माध्यम से नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए भ्रमण किया गया। मुख्य चौराहों से होते हुए रैली कार्यक्रम स्थल चकोर तट पर दीनदयाल उद्यान पहुंची, जहां पर कार्यक्रम शुभारंभ कर सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन किया गया। इसके पूर्व मुख्य अतिथि नैनपुर नगर पालिका अध्यक्ष कृष्णा पंजवानी, श्रमजीवी पत्रकार संघ अध्यक्ष अनिल जांगड़े, ब्रह्मा कुमारी ओम लता जी, ब्रह्मा कुमारी ममता जी का स्वागत संस्था के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। इसके पश्चात संस्था प्रमुख द्वारा महाशिवरात्रि पर्व को मनाने का और मानव जीवन में उसके असर को बताते हुए ब्रह्मा कुमारी दीदी ने कहा कि हम सभी उस परमात्मा को मानते हैं जो सृष्टि का संचालन करता है, उसे हम शिव के रूप में देखते हैं और आज उसी परमपिता परमेश्वर की हम आराधना करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम में नगर के गणमान्य नागरिक, महिलाएं एवं बच्चे उपस्थित हुए। न्यूज रूम टीवी के लिए अनिल जांगड़ी की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि महोत्सव का कार्यक्रम शिवरात्रि के पहले इसीलिए मनाया गया कि सब आत्माओं का जो आत्मिक पिता है वो परमात्मा पिता शिव है और शिव पिता परमात्मा का हम सत्य परिचय जन जन को देख करके उसकी पहचान करा करके और फिर शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए शिव जयंती मनाने के लिए सबको प्रेरित करना चाहते हैं ताकि वो शिवरात्रि मनाना सार्थक हो। लेकिन शिव के साथ रात्रि शब्द इसीलिए जुड़ता है कि अज्ञान की घोर कलयुग की घोर अज्ञान की अंधियारी रात में परम पिता परमात्मा शिव एक साधारण मानवीय तन का आधार लेकर परकाया प्रवेश होकर इस सृष्टि पर आते हैं। लेकिन वो आ चुका है इस धरती पर 87 वर्षों से अपना दिव्य कर्तव्य कर रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर के ये शिव रात्रि के दिन शिव भक्तों को संदेश देने का कार्य करने के लिए ये शिवरात्रि मनाई जाती है।